मैं ये नहीं कहता निगेटिविटी नहीं आती है, मैं ये नहीं कहता हम निराश हाँ नहीं होते हैं, हम हर एक फेज को झेलते हैं, बहुत बहुत हाँ बुरे तरीके से, अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से झेलते हैं, मुझे भी याद है वो। लेकिन मुझे उसके साथ ये भी याद है कि जब हम खुद से बात करते हैं तो मेरे अंदर से वो आवाज शुरू दिन से रही कि मुकुल अग्रवाल तू कर सकता है, भगवान तेरे अंदर वो दिया है। तो वो जब होता है तो बस रास्ता मिलता है, तो फिर इंसान निकलते चला जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो सेल्फ डाउट या कह लीजिए खुद से बात करने का जो एक पीरियड गुजरा है, 6 महीना हो, साल भर हो, 3 महीना हो, तो जब रास्ता मिलता है ना तो इंसान डबल वर्क करता है, एक दिन में डबल वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसे पीछे वो जो साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम था उसको भी तो फील करना है, वरना बिल्कुल वो रुक बिल्कुल जाएगा ना। तो मैंने वो चीज उस दिन से आज तक किया। आप आज भी मेरे बच्चे से पूछोगे आपके पापा का पहला प्यार क्या है, 9 साल की बेटी है, 7 साल का बेटा है, तो वो आज भी एक ही जवाब देंगे, मेरे पापा का पहला प्यार स्टॉक मार्केट है। इट्स द फैक्ट। ओ और मैं उस समय भी सुबह 7:30 7 बजे जगता था और रात में 1 बजे के करीब में सोता था। ये मैं आपको 20s की बात बता रहा हूं, और आज 40s में भी सेम स्टोरी। मतलब जबकि आप समझो कि जब हमने शुरू किया तो ऑफकोर्स टीम छोटी होती है ना सर, 5 आदमी या 3 आदमी, ऐसी आज के डेट में 50 आदमी की टीम है, तो समझ के चलो जी तो भी, तो आज अगर देखा जाए तो मेरा तो वर्कलोड कम हो गया। हर चीज मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने खुद से कुछ नहीं किया, खुद मतलब ना मैंने वीडियो अपलोड की, ना मैंने थंबनेल लगाए, ना मैंने हैशटैग लगाए, फ्रॉम भगवान का आशीर्वाद रहा, फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारी टीम ने किया। जी लेकिन वर्किंग मेरी वही है जो मैं उस समय कर रहा था वही, क्योंकि मुझे काम करना पसंद है, मुझे लगता है कि बस काम मजा आना चाहिए, तो काम अपने आप जी होता है। फिर देखो एक होता है सर मजा आना, एक होता है जी काम करना, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मुझे जी लगता है मैं काम नहीं करता हूं, मुझे मजा आता है, मतलब व्हाट एवर जो मेरा दिनचर्या कर रहा हूं हाँ वो मेरा काम नहीं है, वो हाँ मजा आता है। तो इसमें प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी अपने आप अनदर लेवल पे रहती है। सही बात है, सही बात है, सही बात है सर। एक और मुद्दा, एक और पीड़ा मैं कहना चाहूंगा। शायद मुझे पता नहीं आप इससे पीड़ित थे, मैं भी कुछ वक्त इससे पीड़ित था। एक ऐसी पीड़ा सर जी, जिंदगी की एक ऐसी पीड़ा जो है कंपैरिजन का कीड़ा। मतलब कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते रहते हैं हम किसी भी लाइफ के स्टेज पे पहुंच जाए, हम कंपैरिजन करते हैं, जिसकी वजह से कुछ देर हम सुखी भी हो जाते हैं क्योंकि नीचे वालों से कंपैरिजन किया, और ऊपर वालों से कंपैरिजन करने के बाद दुखी हो जाता है। अरे यार, ये उस लेवल पे अपन कब जाएंगे? तो ये दुख सुख का जो ये खेल ये है और मेरे साथ तो बहुत कंपैरिजन, रहा, बताइए सर, मेरे साथ तो बताइए। बहुत रहा, बहुत इसलिए रहा कि जो मेरे रिलेटिव थे, मैंने आपको बताया ना सारे जी दिग्गज, तो मेरे रिलेटिव मेरे से भी बड़े पैसे वाले थे, ये तो जी बचपन की जी जी कहानी। तो देखो अब यहाँ पे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, अब इसको आप पीरा लेते हो कि टारगेट लेते हो। हाँ देखो अब देखो इस बोलने में कोई शर्म नहीं, शर्म जी मेरे जी जी रिलेटिव अच्छे खासे पैसे वाले, और जी ये मैं अपने एकदम समझ लो बचपन से सारी बता रहा हूं, जी बट ये जी कभी पीरा नहीं रहा, ये टारगेट, जिंदगी हाँ का टारगेट रहा। तो यही चीज है, देखो अब एक चीज गौर करो, जी हर चीज है नजरिया लेने का। इस चीज को मैं लेके रोता भी रह सकता था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सवाल ये आता है सर, रोते रहने से क्या होता? रोते रहने से निगेटिविटी आती, क्योंकि उस समय मेरे हाथ में कुछ था क्या? था ही नहीं। तो जी पहले तो हाथ में जी लाने के लिए मेहनत कर लें, उसके पीछे रो के क्या करें कि जी अरे भैया श्रीधर जी के पास तो इतने पैसे हैं, तो हम तो अपना क्वालिटी टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। बिल्कुल 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 ये मतलब, तो और ये अगेन मैं बताऊं घूम फिर के बात अगर गौर से देखो तो ये वहीं पर पहुंचती है कि जब हम खुद से बात करते तब ही हमें ये समझ आएगा। हम यू नॉर्मल जिंदगी जिएंगे तो हम इस डीप प्रोसेस में जा ही नहीं पाएंगे। जी। तो मतलब यहाँ पे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सर जी ने हमारे जो है एक गोली दे दी है, और उस गोली का नाम है कि भैया खुद से 5 मिनट बात करो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बट इससे आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है जो अंदर होंगी, बाहर होंगी, किसी भी दुनिया में होंगी, वो सॉल्व हो जाएंगी। मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि मैंने पर्सनली किया है, ये एकदम प्रैक्टिकल जी चीज है, बिना पैसे खर्च किए जी किया। आप सही बोल रहे हो, और
प्रैक्टिकल है। मैं तो हर एक चीज, लकली क्या हो रहा है, टचुड़ा आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो जिसको मैं रिलेट कर पा रहा हूं, मैं उसको बता जी रहा हूं, है ना। जी जी ये सही था कि मेरे रिलेटिव पैसे वाले थे, बट जलन नहीं रही। एक और दुविधा है सर जी, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ना स्टॉक मार्केट को लेके कहीं ना कहीं गलत इमेज है, ऐसा लगता है कि यार डर है, गलत इमेज के साथ साथ डर भी है और बहुत सारी शंकाएं हैं, और इसमें भैया डाले पैसा ना डाले क्या करें, ऐसे बहुत सारे प्रश्न है सर, उनका एक क्या मतलब आप क्या समझाना चाहोगे इस पॉडकास्ट के थ्रू व्यूअर्स को अबाउट द स्टॉक मार्केट? देखिए, स्टॉक मार्केट के प्रति एक्चुअली क्या है, बहुत सारी गलत भ्रांतियां फैली हुई है मार्केट। वो गलत भ्रांतियां इस तरीके से फैली हुई हैं कि स्टॉक मार्केट एक एटीएम मशीन है, कार्ड लगाओ और पैसे निकालो। बड़ी सिंपल सी कहानी। अब ऐसा होता तो सर सभी अमीर हो जाते, कार्ड ही डालते और जी पैसा जी निकालते। जी मुझे हमेशा एक चीज लगती है जो मुझे जब भी कहीं बुलाया जाता है और मैं भी हमेशा बोलता हूं कि देखो, आप लोग अपने बिजनेस में या जॉब में मास्टर हो, जहां पर एक स्किल क्रिएट किया है तब वहां पर पहुंचे, चाहे जिस भी पहुंचे हो, जी बिल्कुल वहां पर एक पढ़ाई लिखाई एजुकेशन तो सबसे बेसिक थी जो आपको मिली तभी आप पहुंचे वहां पर। मुझे हाँ सिर्फ ये बता दो कि कौन सी ऐसी एजुकेशन उस ज्ञान के दौरान थी जिसमें ऐसा कहीं भी एक शब्द लिखा था कि नहीं, एक तो कुछ ऐसा मिलेगा तुमको आगे, कुबेर का पिटारा, बस जाना और एटीएम निकाल के कुबेर का पिटारा ले लेना। तो ऐसा है तो नहीं सर। तो जो ऐसा है नहीं, तो बस वही चीज है कि जो है नहीं उसके पीछे फिर भागना क्यों। वहां पर जो मैक्सिमम देखा जाता है सर, कि जिनके पैसे कम होते हैं एक्चुअली वो ज्यादा बड़ा जी सपना जीना चाहते हैं, सारा जी खेल जी उनके साथ गड़बड़ होता है। इसको आप ऐसे समझो, चिटफंड जी बहुत जी सारे फर्जी हुए, जी चिटफंड फर्जी है, इसको भी अवेयर करने के लिए सरकार के तौर से बहुत सारी कोशिशें की गई और बिल्कुल ऑलवेज बिल्कुल की गई, यानी मैं हिस्ट्री भी बोल रहा हूं और आज भी है, जी लेकिन उसके बाद भी चिटफंड हुआ और एक से एक नामी गरामी घोटाले हुए, बराबर है। अब उस नामी गरामी घोटाले में अगर ईमानदारी से देखा जाए तो फंसने वाले कौन थे? क्या कोई बहुत दिग्गज पैसे वाले जो एकदम पहें उन्होंने चिटफंड में पैसा डाला? कभी नहीं। अगेन, वो डालने वाले वही मिडिल क्लास थे जिनके सपने बड़े थे और उनको ये लगता था कि ये कम पैसे में हम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं, जी और अंत में वो शिकार होते थे। वही कहानी जो वहां चल रही थी स्टॉक मार्केट में चल रही है। तो वो अपने सपने को पूरा करने आते हैं, तो जिस तरीके से हर जगह अच्छा इंसान है वैसे ही बुरा इंसान भी उस धंधे में। तो स्टॉक मार्केट में अच्छे इंसान भी हैं तो बुरे इंसान भी हैं। पहचान सिर्फ हमें करनी है, पहचान का सिर्फ एक तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं है अमीर बनने का। ये आप एक प्रोसेस लाओ, प्रोसेस का सेंस है। मेरे को अगर 10-15% का भी रिटर्न मिल रहा है तो आप समझो सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा जी है, तो जी कोई जी नहीं दे सकता है। पहला सबसे बेसिक जो हर एक आदमी जानता है मानता नहीं है, जी दूसरा आप सब खुद कहते हो, मतलब मैं स्पेशली उनसे बात कर रहा हूं जो मिडिल क्लास लोग फंस रहे हैं उनसे, कि मेरी इनकम कम है, जी मेरी सैलरी कम है, तो फिर एक साथ सारा पैसा क्यों डाल रहे हो? किसने बोला है? आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर मंथ थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगाओ एज बिल्कुल एन इन्वेस्टर 5 साल के लिए। जी जी जब जी आपको स्टॉक मार्केट की समझ ही नहीं है तो ट्रेडिंग करने आते क्यों हो? पहले तो इन्वेस्टमेंट करो ना, इन्वेस्टमेंट को समझो। जैसे कहते हैं ना, नदी में उतरना है तो पहले नदी के पास में थोड़ा तैरने की कोशिश करेंगे, बीच में थोड़ी चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जहां पे अगेन डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा पैसे डूबते हैं, वो है पेनी स्टॉक। जी इनका बड़ा सिंपल कंसर्न होता है पैसे कम, पेनी ही पैसे लेंगे क्योंकि 20, 10, 2, 5 मिल रहा है और करोड़पति। ऊपर से बात कर लो या इनको मना कर लो तो इनके पता है एक ही जवाब आते हैं, अरे आपको तो मालूम ही नहीं है सर, वो बजाज फाइनेंस कम पेनी स्टॉक बना तो, पेनी स्टॉक तो था, टाइटन बना तो, हाँ पेनी स्टॉक तो था, आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन ये ठीक है, बना, हम ये नहीं कहते नहीं बना। आप ये बताओ, उस बजाज फाइनेंस, उस टाइटन से
करोड़पति बनने वाले कितने लोग, ये आप बात कभी बिल्कुल नहीं करते हो, बिल्कुल ये आप भूल जाते हो। बस यहीं पर है खेल। आप ऐसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, जैसे कि कहा कि आपको तो तैरना आता ही नहीं है, बट उतर के एकदम बीचों बीच है, नहीं हम तो एक्सपर्ट। तो जिस कंपनी का नाम हमने नहीं सुना होता है, वैसी वैसी कंपनियों के तो ये नाम हमसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल सर पेनी स्टॉक में वैसे ही पेनी होते स्टॉक हैं। वैसे ही होते हैं ना, हिस्ट्री मतलब डाल दो फंडामेंटल की अच्छी अच्छी हाँ वेबसाइट पे, वो बेचारे कहते हैं कहां से लेके आए हो। अच्छा कहने का सेंस ये है क्योंकि उनके फाइनेंशियल डेटा प्रॉपर होते ही नहीं है, वो सारे मैनिपुलेटेड होते हैं दिखाने के लिए होते हैं। जी। तो सबसे सिंपल तरीका है इन्वेस्टमेंट के लिए, हम जिस कंपनी को दादा जमाने से देख रहे हैं, दादाजी जिस कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे उसकी डिमांड बढ़ गई पापा के समय में दोगुनी, कंपनी ने जी खुद को जी भी टाइम के अनुसार अपडेट किया, अपडेट यानी दादाजी जो कपड़े पहनते थे अब हम तो पहनते नहीं, मॉडिफिकेशन का जमाना है ना, तो कंपनी को भी तो मॉडिफिकेशन बिल्कुल करना है ना, पुराने जमाने की कार और बाइक तो चलती नहीं है, हर दिन चेंज हो रहा है ना, तो कंपनी ने खुद को वैसे चेंज किया है कि नहीं, तो सेल बढ़ रहा है, कंपनी खुद को चेंज कर रही है, प्रमोटर अच्छे हैं, ऐसी कंपनियों में पैसा लगाओ, तो वो कर नहीं पाते जी हैं। अब कहेंगे अरे भैया डाबर देख लो, आईटीसी देख लो, एशियन पेंट देख लो, पीडीलाइट देख लो, मतलब ऐसे शेयर है 5 साल में पैसे डबल करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप तो एक ही बार में सारा पैसा लगा देते हो, गिरावट जो एक मौका जी होता है वहां पर डर के मारे पैसा नहीं लगाते हो, जब तेजी एकदम बिल्कुल सुपर रॉकेट होके आसमान पे पहुंच जाती है तब आपका इंटरेस्ट आता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बातें चल रही होती कि अब मार्केट अच्छा होने वाला है। हाँ तो ये सब बिल्कुल चीजों को एक बिल्कुल एजुकेशन के तौर पे आपको बदलना पड़ेगा। सही बात है। ये पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए तभी। और सर रिसर्च वाला भी खेल है, बहुत बहुत रिसर्च वाला खेल है। तब जाके अगर आप मोटी रकम लगाना चाहते हो, कहीं डालना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा लाइक एक यहाँ पे संतुष्ट रहते हो कि हाँ जहां लगाया भैया सही लगाया सही मैंने। लगे अब जब आप बिल्कुल रिसर्च समझ। अब जैसे मैंने ही अपनी जर्नी जी, भगवान की दया से अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, मेरे अंकल चाहते तो क्या बोलते, ठीक है कर ले काम, जी क्या जरूरत पड़ी बॉम्बे जाने की, बॉम्बे भेजा, जी ट्रेनिंग दी, फिर हमने ब्रोकिंग हाउस से स्टार्ट किया, हमने एक एक चीजों को जमीन से समझा, पास से देखा, तब ना हमने एक जर्नी जी। लेकिन अगर सीधा कूद जी लेते मारपीट के मैदान में तो दो मुक्का पड़ता, मुंह सूज के उधर ही कोना में पड़े नजर आते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है जहां पे हमें करोड़पति बनने की स्कीम को भूलना पड़ेगा। एक बिजनेस, मैं एक चीज इस पे हमेशा कहता हूं, अरे इतनी खुजली है तो ऐसा करो गोवा चले जाओ, कैसीनो में नाच गाना भी होएगा, खाना पीना भी मिलेगा, खेल लेना, क्या जरूरत। लेकिन के पैसे हाँ से आपके परिवार पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप खुद कह रहे हो मैं मिडिल क्लास हूं, यानी आप सही कुछ बात भी है गड़बड़ कर रहे हो, तो आपका पैसा अगर डूबा तो क्या हुआ, आपके परिवार की लग गई। बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल लग जाती है तब आपको ख्याल आता है कि अब तो हम सुसाइड कर लेगा, हमारा पैसा डूब गया है, हमारा बीवी बच्चा रोड पे आ गया है। हमने तो कई लोगों के घर बिकते देखे हैं, बिजनेस बंद होते देखा, हमने तो बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे, और वो भी बस तुर्रम खां लोगों के। तो अब आप समझो जब जी तुर्रम खां लोग नहीं रहे तो मिडिल क्लास लोगों को कितना ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है, कितना होशियारी से बिल्कुल रहने की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल 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 सर। अभी जो अभी आपने मेंशन किया वो तुर्रम खान, एक तो ये शब्द, और एक आपने बताया कि स्टॉक मार्केट में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मैं जानना चाहूंगा हर्षद मेहता, ये एक ऐसा नाम है, वो किस कैटेगरी में फॉल करता था आदमी? जो उसने किया उसके ऊपर आपका टेक क्या है? देखिए दो बातें हैं, और मैं जी हमेशा एक चीज कहता हूं, सिक्के के दो पहलू हैं, इतने पे बिल्कुल डिपेंड करता है आप कैसे। अगर एक नजरिया देखा जाए तो उसने जो सिस्टम का लूप होल था उसी का फायदा उठाया, उसने कुछ जी अलग नहीं किया कि खुद से कोई लूप होल क्रिएट किया, जो लूप होल था उस पर पैसा कमाया, उस पर चीजों को किया, किसी का खून तो किया नहीं। अरे जी 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 जो लेकिन दूसरा गलती ये भी था, अब वो गलती कहिए या क्या कहिए ये भी बड़ी सोचने वाली बात है और बहुत ही ऑलवेज एक डिस्कशन का पार्ट है। वो कहा जाता जी है कि जैसे उसके जमाने में जब शेयर की रैली, क्योंकि वो तो बुल था ना, बिग बुल, तो जी ठीक बोल रहे जब हैं शेयर की रैली चल रही है, लगातार चल रही है,
अगर ईमानदारी से विद डेटा देखो, क्योंकि बाहर से कहना बहुत आसान है, विद डेटा देखो तो कहते हैं कि बिग बुल के समय में रिटेल इन्वेस्टर मरे थे, सुसाइड किए थे, तो उनकी एंट्री भी लो पे नहीं हुई थी। सेम जैसे आज भी मार्केट में जब टॉप पे रिटेलर घुसते हैं, सेम कहानी वहां पर भी रिटेलर टॉप पे ही घुसे थे, जिसके बाद क्रैश जो आया। तो एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली क्रैश रुकता है, वहां पे तो एक अलग सिनारियो था, तो वो क्रैश होता चला गया और संभलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि शेयर भी मतलब ओवर वैल्यू नहीं, मतलब जिसको कहते हैं कि अनाप शनाप प्राइस हो गई थी, जिसके प्राइस के बारे में बात ही नहीं किया, जैसे कंपनी कमा कुछ रही है वहां पर, उसके वैल्यूएशन अलग दुनिया में चले गए थे। तो जी ऐसा बिल्कुल तो था नहीं कि वो सारे ही स्टॉक को ऑपरेट कर रहा था, बहुत बिल्कुल गंभीर बात बिल्कुल है। बिल्कुल 10 20, तो क्या 10 और 20 ही स्टॉक मार्केट में थोड़ी चलते हैं? लेकिन लोगों का भी इंटरेस्ट वहीं पर आता है जहां पर होता है गेम, जहां पे आग लगी होती है तो हाथ सेकने सब पहुंच जाते हैं। तो कहानी जी दोनों साइड की थी, बट कहा वही जाता है जो अब अपना अपना नजरिया लेने का है सर, किसको कैसा नजरिया लेना है। बिल्कुल 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 सर। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि किसी भी काम में आप कर रहे हो, मुझे आप जरा इस पे बताइएगा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो ऐसा लगता है नियत। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जैसी जिसकी नियत वैसी उसकी बरकत, चाहे आप काम कोई भी करो, नियत का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप उस पर कुछ ऐड करेंगे? सर 1000% अगर आप, शायद मेरी सफलता का ये सबसे बड़ा राज कह लो तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था पटना ऑफिस आज भी चल रहा है, लखनऊ ऑफिस यहाँ भी है। पटना ऑफिस में समझ लो मेरे साथ जो बच्चे जुड़े थे आज हो गए 10 साल तो हो गए, मैं पटना समझो जी जी साल जी में जी एक बार भी नहीं जाता हूँ, बट वो बच्चे खुद ब खुद काम कर रहे हैं। ठीक है, लखनऊ ऑफिस में भी मैंने आपको खुद ही बताया कि मतलब जैसे क्या कहते हैं मेरे दूसरे काम है, तो जी अगेन जी यहाँ पर जो काम है वो बच्चे ही देखते हैं। तो हमने एक अच्छी नीयत से लोगों को जोड़ा है, हम ऑलवेज उनके सपोर्ट में खड़े हैं। कोविड था तो भी कोविड में हमने सबको घर बैठा के सैलरी दी, और प्रॉपर से हमने बोला कोई घर से ना निकले, किसी को कोई दिक्कत हो तो दे, तो भगवान बस यही देखता है आप किसके लिए कैसे खड़े हो 24/7, तो ऑटोमेटिक लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो भूलते नहीं है। कोविड मतलब बस लोग भूलते नहीं है सर, अच्छे लोग कभी नहीं भूलते, वो आपकी एक जर्नी बनती है। क्योंकि और ये सही चीज बात है। में मुझे मेरे दादाजी का बहुत हेल्प रहा, क्योंकि हमारे दादाजी के मतलब जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय भी बहुत सारे घर में काम करने वाले नौकर लोग काम करते थे, और बूढ़े जी बूढ़े, तो पता चले वो दादाजी के समय से थे, मतलब पापा जी जब बच्चे थे तब से, समझ रहे हो, तो उस समय वो समझ नहीं आ हाँ पाता था कि एक्चुअली क्या है, बस ये लगता था कि चलो नौकर चाकर का घर है, लाइक मतलब अब मतलब जैसे कहने वो भगवान की दया से भगवान का दिया हुआ सब कुछ अपन इंजॉय कर रहे हैं। बट जब आप बड़े होते हो और वो लॉजिक में जाते हो कि इतने पुराने लोग कैसे हैं, उस तो दादाजी ने दिया ना, तभी तो वो है, तभी तो उन्होंने उम्र दे दी, जवानी में आए अपना बुढ़ापा दे के चले गए। दादाजी ने अगर नहीं दिया होता कुछ तो वो रुकते कोई हालत में नहीं रुकते, और रुकने वाले एक सही। नहीं 10ों। तो वो एक मैं बोला ना, परिवार बहुत मायने रखता है आपकी लाइफ में, परिवार की परवरिश, परिवार बिल्कुल की शिक्षा बहुत मायने रखती है, जो बिल्कुल आपको जमीन से जोड़े रखती है, आपको व्यवहार कैसे करना है ये सिखाती है, आपके अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए ये सिखाती है, जी भरे जी छोटे किससे कैसे रिस्पेक्ट से बात करते हो ये सिखाती है। और ये सब जब चीजें आपके अंदर आ जाती है ना सर, तो भगवान फिर अपने आप ही बरकत दे देता है सर। बिल्कुल 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 सही कहा सर जी। फैमिली की वैल्यू बहुत, और नियत का तो खेल है ही सारा का सारा, ये तो आपने बताया। और सर जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है एक सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द सारा खेल खेला जा रहा है। अगर हम पैसे की बात करें, मनी की बात करें, तो सर हम ये जानते हैं कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मनी इज नॉट द ओनली थिंग इन द लाइफ ऑफ एवरीवन। मतलब हर एक की जिंदगी में जो पैसा है उसकी अलग अलग जगह होती है, इंपॉर्टेंस होता है। मैं जानना चाहूंगा सर आपके लाइफ में मनी की क्या वैल्यू है और आप उसे कैसे देखते हो? देखो क्या है, पैसे का कोई अंत नहीं है। जी दो दोस्त हैं, हम और आप जी मॉल गए, ठीक है, मॉल में सारे ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े बिक रहे हैं,
ठीक है, जी जी अगर हम लोग शर्ट से शुरू करते हैं और सबसे बेसिक, चूंकि मॉल में खड़े हैं तो एक शर्ट 1,500 रुपए की तो आएगी ही आएगी, स्पाइकर लिवाइस में अगर हम लोग जा रहे हैं तो, बराबर है, करेक्ट। जी और वहां पर टॉमी का भी शोरूम है, सीके का भी है, ठीक है, ध्यान से समझना। जी मैं और आप गया, मेरी इच्छा हुई, बाहर से विंडो से दिखा, अरे यार बड़ा अच्छा शर्ट है श्रीधर, खरीद लेते हैं। हाँ जी मुकुल जी तेरे पे अच्छा लगेगा। तो मैं गया और फट दे पर वो 1,500 रुपए पे किया, एक शर्ट खरीद के ले आया। ध्यान से समझना, भगवान जी की कितनी बड़ी कृपा है कि आपने आंखों से देखा, आपको पसंद आया और आपने खरीद लिया। जी ये जी है पहला नजरिया। अब आते हैं दूसरे नजरिए पे। मेरे पास कैपेसिटी है इस सॉरी 1,500 के शर्ट को खरीदने की, और ये एक बार नहीं, मैं जितनी बार जा रहा हूं, मुझे अगर पसंद आ रहा है, मंथ में इंसान है, महीने में एक बार मॉल चला गया, तो मैं मंथ में भी एक बार गया या हफ्ते में भी गया, और भगवान का अगर दिया इतना आशीर्वाद है और मुझे पसंद आया, मैं खरीद रहा हूं, तो भगवान की रहमत है। जी अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पे। अरे देख ना श्रीधर, साला वो टॉमी वाला सटे नहीं खरीद सकते हैं, उस सीके वाला, वो बड़ा लोग का कहानी है, 5,000 10,000 जी का जी सट। आप देखो रोना चालू कर दिया मैंने, क्योंकि बिल्कुल भगवान ने बिल्कुल मेरे को पॉकेट में दे रखी है कैपेसिटी। सारा हाँ खेल यहीं पर है सर। हाँ आपको भगवान ने कितनी बड़ी मतलब रहमत दी, आप खरीद रहे हो, तुमसे तो नीचे जो वो खरीद नहीं सकता। आप तो रोने में लग गए कि मतलब पॉकेट में पैसे हैं, खरीद सकते हो, लेकिन वो कहीं और भटक लिए, इसका मतलब क्या है? जहां खड़े हो तो संतुष्टि तो है ही नहीं जिंदगी में। तो मुझे, मेरा जो मानना है कि वहां पर ये जो प्रॉस्पेक्ट है भगवान का दिया हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी रहमत है, जहां पर हर एक इंसान को जो भगवान ने अपने अपने एक स्तर पे दिया है, बिल्कुल बिल्कुल उस स्तर पे हैप्पी होना चाहिए, ना कि उससे ऊपर वाले लेवल पे जाकर परेशानी लेना चाहिए। बल्कि परेशानी नहीं, मेहनत करनी चाहिए कि हम वहां तक जा सकते हैं। जब भगवान ने वो जी बनाया है तो हमारे लिए ही बनाया है, जी जी तो जी पॉजिटिविटी की तरह हो, निगेटिविटी की तरह ना हो। मनी के लिए मेरा ये सिंपल। जी जी सही बात है सर। ये थोड़ा मैं रिलेट भी करता हूँ क्योंकि मतलब मेरी माता जी भी यही कहती, मतलब जब हम लोग थोड़ा सा ना पैसे को लेके ज्यादा लेके नो दिमाग में बहुत चलने लगता है पैसा, तो ऐसे कहते हैं कि संतुष्टि रखो थोड़ा सा, अभी आप जिस स्तर पे हो उस स्तर पे करोड़ों लोग होना चाहते हैं, यस जितनी अमाउंट है उतने करोड़ों लोग चाहते हैं कि यार मैं उस स्तर पे रहूं, बट अभी आप हो। और जहां तक सर पैसे का आता है तो पैसे का एक एलिमेंट होता है कमाना सर, लेकिन दूसरा एलिमेंट होता है उसको गंवाना, मतलब खर्च करना जो अपने लाइफ से दूर जा रहा है। तो सर देखा है मैंने बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे कलीग्स भी देखे हैं, कमाते बहुत तगड़ा है, कमाते बहुत अच्छा है, और उससे ज्यादा उनका खर्च रहता है गंवाने का, जो रेट है वो रहता है, और कहते हैं पैसा नहीं है। तो आप समझ पा रहे हो, तो इसका बैलेंस बिठाने का कुछ मूल मंत्र बताइए, कैसे क्या किया जाए। बैलेंस का, जहां तक मेरी बात आती है, मारवाड़ी फैमिली से शुरू दिन से रहा ना, तो पैसे की एक बहुत अहम वैल्यू पहले दिन से सीखी। जी पैसा भैया बहुत मेहनत से कमाते हो, और कमाते हो तो बचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बचा पा रहे हो तो अपने परिवार के लिए कर पा रहे हो। और आप गौर करो, जितने भी जी मेरा इंटरव्यू इतने देर हुआ है, आप पाओगे कि मैं जी इधर उधर की दुनिया की जगह अपनी परिवार के बारे में बहुत ही ज्यादा चर्चा करते पाया गया हूंगा। बिल्कुल 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 तो ये जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं ना, कि मेरे मतलब मेरे ऑफिस में केबिन में वीडियो शूट जब होती है, तो आप देखोगे एक फोटो ऑलवेज मेरे टेबल पे मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की तस्वीर रहती है, जी वो जी ऑलवेज। उसका लॉजिक ये है कि हमें हमेशा यहां से हिट पॉइंट आता है कि मुकुल अग्रवाल, तुम चाहे कितने बड़े भी इंसान बन जाओ, चाहे वो तुम 100 करोड़ की जी पार्टी हो, चाहे 1,000 करोड़ की पार्टी हो, या 1 करोड़ की पार्टी हो, या 10 लाख की पार्टी हो, मैटर नहीं करता है, क्योंकि तुम जिस स्तर पे, उस स्तर पे तुम खर्चे करोगे और परिवार को उस स्तर पे लेके जाओगे, करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अब स्तर पे तो लेके जाओगे, लेकिन अगर तुमने अपने लाइफ में एक भी गलत कदम उठाया,
वहां पर तुम अपने बारे में तो सोचो ही मत, कभी मत सोचो, कभी मत सोचो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें अपने बारे में सोचने का हक नहीं है, तुम परिवार के बारे में सोचो कि तुम्हारे एक गलत कदम उठाने से तुम्हारे फैमिली पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे मदर पर, तुम्हारे फादर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर तुमने ये बहुत सही सोच बात है। लिया, तुम उठा ही नहीं सकते कोई हालत में, क्योंकि फिर तुमने उठा लिया तो तुम फिर इंसान के कैटेगरी में नहीं हो। सॉरी फॉर दिस वर्ड, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू, बट मेरा तो एकदम बहुत क्लियर है कि अगर तुमने फिर वहां पे उठा लिया तो तुम इंसान के कैटेगरी में बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि फिर तुम्हें फिकर, तुम फालतू में बातें करते हो कि ये मेरा परिवार, ये हाँ बच्चा, हम बच्चा के लिए दिन भर उजाके डायलॉग थमाते हो, हम मेहनत बच्चा के लिए करता है कि हम बच्चा को फ्यूचर दे सके। नहीं, ये सब खाली कहने के। फिर तुम अपने लिए जी रहे हो, तुम अपने लिए सोच रहे हो, तुम अपना डिसीजन ले रहे हो, तो वहां पर बहुत चीजें जुड़ती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सर, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, मैं ये नहीं कहता रिस्क नहीं लेना बिल्कुल चाहिए, बट हर इंसान, पता है अगेन ये बातें ऐसी है ना सर, कहने में बड़ी आसान होती है यूं, अरे वाह रिस्क लेना चाहिए, प्रैक्टिकली जब जो इंसान रिस्क भी लेता है ना सर, वो पीछे कुछ ना कुछ, अगर बीवी बच्चा ना हो, माँ बाप का, चलो बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है कि ठीक है मैं बर्बाद भी हो गया तो बाप का तो इतना बिजनेस है कि अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी, वो बहुत पैमाने होते हैं सर, एक एक पैमाने देखे जाते हैं, तब वो रिस्क या जी। एक्सपेंस या पैसे की बर्बादी हर एक चीज आती है, जो मतलब मेरा नजरिया है लाइफ लेने का बिल्कुल या देखने का, मतलब ये मतलब मैं ऐसे देखता हूं। जी। नहीं, सर बहुत बहुत सही कहा। मतलब फैमिली को आप आगे रख रहे हो एंड देन आफ्टर दैट यू थिंक, अब उस हिसाब से आप सोचो तो अपने आप सही सोचोगे आप, और फिर वो बैलेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं, वो बैलेंस अपने आप बन ऑटोमेटिक जाएगा। हो जाएगा ना सर, जब आप परिवार को सब कुछ दे दिए बिल्कुल तो आप, आपकी लाइफ तो यूं ही मस्त है, अपने आप मस्त। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल, बड़ी दिलचस्प बातें चल रही है लेकिन इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल, कि सर फेलियर हमने ही बहुत देखे हैं, सर फेलियर्स आपने ही बहुत देखे होंगे। मैं सर जानना चाहता हूं कि आप एज पर यू व्हाट यू थिंक कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर कौन सा था जो आपने विटनेस किया अभी तक, और आपने उससे क्या सीखा, ये सर मैं जानना चाहता हूं। बहुत बड़ा फेलियर कह लीजिए, बहुत बड़ा झटका कह लीजिए, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, पार्टनरशिप जी कभी भी रिलेटिव में नहीं करना चाहिए। ओ अच्छा जब मैं मुंबई से आया था सीख के, जी तो मैंने अपने रिलेटिव के साथ ब्रोकिंग का पार्टनरशिप किया था, ओके ओके बच्चे थे, और बच्चे थे तो लाइक था कि चलो ठीक है सब कुछ अच्छा रहेगा, बहुत बड़े सपने थे कि दो एक से भले दो दो दोनों यंग एज जी करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, एक अनदर लेवल पर इंडिया में जी करेंगे, बट जब रिलेटिव के साथ करते हो ना तो चीजें बहुत अलग होती हैं, आप किस तरीके से देख रहे हो, सामने वाला किस तरीके से देख रहा है, आप नहीं समझ सकते, फिर वो रिलेटिव भी बदल जाता है, मतलब बहुत चीजें बदल जाती हैं, आसान नहीं होता है। और उस समय जब फिर मेरी वो पार्टनरशिप टूटी थी, बहुत बड़ा झटका था, झटका इन द सेंस था कि क्या होता है, आप ट्रस्ट में, एक्चुअली मेरा तो पहला काम था, अगर ईमानदारी से देखा, जो मैं जी उस समय बता रहा था कि मैं मुंबई गया, मुंबई से आया, तो मेरा तो पहला काम था ना जो शुरू हुआ था, बिल्कुल आपने बिल्कुल काम बिल्कुल जमाया, आप सीख के आए, आप ही होल एंड सोल हो जो आगे बढ़ रहे हो, चीजों को लेकर जा रहे हो, और वो जब टूट जाती है तो आप बिखर जाते हो, क्योंकि उस समय समझ नहीं आता कि ये एक्चुअली हुआ क्या, बिल्कुल बिल्कुल उस समय हुआ आपके, फिर तो आप, मतलब मैंने उस बोला था ना उस समय कि वो मैंने कह जरूर दिया है कि मतलब हो जाता है, बट इंसान जानता है कि वो जर्नी जीता है तो उसके साथ क्या बीतती है और कैसे बीतती है। वो जी बहुत बड़ा जी मुश्किल का दौर था, जब एक तो क्या होता है, बाल मन रिलेटिव वगैरह के साथ चीजें टूट जाएं तो यूं थोड़ा सा हैंडल होना मुश्किल हो जाता है, फिर बिजनेस की शुरुआत हाँ होना, बिजनेस सडनली जिसके सपने बड़े बड़े, जिसमें आपको एकदम पागलपन की तरह मजा आ रहा है, उसको स्क्रैच से आप स्टार्ट कर रहे हो और वो इस तरीके से हो जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, आप एकदम पागल हो जाते हो, मतलब मन तो करता है या तो भाग जाए, एकदम घर छोड़ के भाग जाए, ईमानदारी से कहें तो घर छोड़ के भाग जाए, लेकिन अगेन है परिवार का सपोर्ट बहुत काम आता है ऐसे वक्त में, और ऐसे वक्त में
मेरी छोटी वाली भुआ जी हैं, उनकी एक बड़ी ही प्यारी लाइन है जो उन्होंने मुझे बचपन में सिखाई थी। उसी दौरान में एक्चुअली दो तीन घटना उस समय हुई थी, चाहे मेरी वो MBBS की पढ़ाई हो या समय, क्योंकि कहावत है ना कि वो यूं तो कह रहा हूं बट वो मुझे आज भी याद आता है। मेरी आवाज तो बदलती सी आपको फील हो रही होगी कि मैं किस जोन में पहुंच रहा हूं, बट अपने आप को उससे निकालने की भी कोशिश कर रहा हूं कि कई चीजें यूं बदलती है ना, तो समझ नहीं पाता, अरे साला मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ही पता नहीं यार, दूसरे लोगों को देखो लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज मुझे कही थी हमेशा कि जो भी होता है याद रखो अच्छे के लिए होता है। अगेन बालमन, ये सब चीजें तो मेरे को खूब याद रहती है, मतलब वो एक्चुअली परवरिश थी ना, हमारे यहाँ एक्चुअली पढ़वा कहते हैं जिसको आप लोग कहावत कहते हैं ना, तो मेरे दादाजी बड़े पढ़ा करते थे मारवाड़ी में। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते हो लाइफ में चीजें चलती है ना, तब समझ में आता है ये दादाजी क्यों कहते थे, तो उस समय समझ नहीं आता, बट वो जब रिलेट होता है तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस और चीजें, अरे ये तो जूता मारा जा रहा था बचपन से कि तैयार रहना, आ गया ऐसे ऐसे जूते मारने वाले हैं, तो वो सब चीजें जो है, तो मेरे को वो बुआ जी की लाइन एक्सेप्ट करने में वक्त नहीं लगा। तो वो सब चीजें कई फेज मेरे लाइफ में बहुत लोगों का योगदान है। देखो अब गौर करो मैंने इतनी टाइम में कितने लोगों का नाम ले लिया है ना। जी बिल्कुल तो बिल्कुल अगर ईमानदारी से देखा जाए ना सर, हर इंसान के लाइफ में बहुत सारे लोगों का योगदान है, और मुझे लगता है पता है आप बिल्कुल लोगों को खुद से जब बात करते हो ना तो उनके नाम कभी नहीं भूलते, और कभी भी कहीं भी कोई बुला लेना आप उनका नाम जरूर लोगे क्योंकि वो दिल से आता बहुत है सही। ना। तो वो एक सही चीज था, वो लाइन थी, और परिवार का में सपोर्ट था जिसने निकलने से हेल्प की, फिर मैंने वापस से खुद से शुरू किया। अच्छा ही हुआ जो हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहा सही कहा। और सर मतलब आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ और इतना इतना सर मतलब 1 घंटे के ऊपर हो गया है पॉडकास्ट, हम सोच रहे थे 20-25 मिनट तक हो जाएगा एकदम टैक, लेकिन 1 घंटे के ऊपर हो गया। और सच में जो बातें हुई ना सर वो मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ सच में। मतलब कहीं ना कहीं फैमिली को आगे रखना, अपने लिए टाइम जो है रोजाना तौर पे आप अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, तो एक वो जो टाइम है अपने लिए देना, एक राइट ट्रैक आपको उससे मिलेगा, सेल्फ बिलीफ रखना, सेल्फ डाउट आए तो क्या करना, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जो उत्तर है आज मैं लेके जा रहा हूँ। और आई होप दोस्तों ये सब आप तक भी पहुंचा है इस वीडियो के जरिए। और मुकुल सर जी मैं जाते जाते मैं सच कह रहा हूं मैं आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने थैंक टाइम निकाला यू सर, और आप बहुत यहाँ पे आए। अच्छा लगा आपसे एंड बातें करके, क्योंकि मुझे लगता है मैंने इतने सारे लोगों से बात की है। क्या होता है हर बार लोग जब बात शुरू करते हैं तो वो लाइफ स्टोरी शुरू करते हैं, फिर वो एक कॉमन क्वेश्चन रह जाता है। मुझे लगता है दिस इज द जी फर्स्ट टाइम जब मैं कुछ अलग जोन में गया हूँ, अलग बातें की हैं, कुछ अलग चीजें हैं जहां पर कई बार मेरा वॉइस का टोन बिल्कुल चेंज, क्योंकि नहीं चाहता नहीं था कि वो जाए, बट वो होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो दिल जब इंसान का कोई छू लेता है ना तो वो हो जाता है। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद। और जब ऐसे दिग्गजों का हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो काम को एक बूस्ट मिलता है कि भाई अभी रुकना नहीं है, अभी और करना है। एंड वंस अगेन सर जाने से पहले धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू सो धन्यवाद मच, तहे दिल से। थैंक यू, बाय बाय।